साल 2008 में बहु ऐश्वर्या राय संग जया बच्चन ने कांस के रेड कार्पेट पर किया था वॉक। जी हाँ, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, हम भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रीन कलर का सूट पहन करके जया बच्चन कांस के रेड कार्पेट पर पहुंची थी और वहां उनके साथ बहु ऐश्वर्या राय भी थी। तब अभिषेक बच्चन की शादी को सिर्फ एक साल हुए थे, 2007 में शादी हुई थी और 2008 में पूरा बच्चन परिवार ऐश्वर्या के साथ कांस पहुंचा था और सब एक साथ रेड कार्पेट पर नज़र आए थे। अमिताभ बच्चन भी पहुंचे थे, अभिषेक भी पहुंचे थे और यहां तक कि अमिताभ बच्चन के करीबी दोस्त अमर सिंह भी वहां दिखाई दिए थे। एक समय था जब ऐश्वर्या और जया बच्चन के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। तब एक बार यूरोप घूमने गई थी पूरी बच्चन फैमिली, उस दौरान ऐश्वर्या फ्रॉक पहने हुई दिखी थी तो वहीं उनकी सासू माँ जया बच्चन स्कर्ट पहनकर यूरोप घूमती हुई दिखी थी। तो तमाम तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं जब बच्चन फैमिली ने एक साथ कांस के रेड कार्पेट पर किया था वॉक, साथ ही बच्चन फैमिली ने यूरोप में मनाया था हॉलिडे। पिछले 22 सालों से लगातार ऐश्वर्या राय बच्चन कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चमक रही हैं। साल 2002 में ये सिलसिला शुरू हुआ, आगे भी जारी रहेगा। एक बार फिर बच्चन बहू कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना हो चुकी हैं। हालांकि उनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिखा, हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन कांस के लिए ऐसा कमिटमेंट है कि उन्हें टूटे हाथ के साथ भी वहां जाना पड़ा। 50 साल की ऐश्वर्या को अब कांस की क्वीन का दर्जा मिल चुका है और हर साल की तरह वो इस बार भी इंडियन ब्यूटी का प्रतिनिधित्व करने भारत की तरफ से कांस पहुंची हैं। ऐश्वर्या राय अब तक 20 से ज्यादा बार कांस के रेड कार्पेट पर वॉक कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले 12 सालों से ऐश्वर्या के साथ उनकी बेटी आराध्या भी जा रही हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनके साथ बच्चन परिवार ने रेड कार्पेट पर वॉक किया था। साल 2008 में ऐश्वर्या के साथ पूरा बच्चन परिवार कांस पहुंचा था। जया बच्चन तब बहू ऐश्वर्या संग ग्रीन शरारा सूट पहन रेड कार्पेट पर वॉक करती दिखी थी। उस दौरान ऐश्वर्या के साथ उनकी सास ही नहीं बल्कि ससुर अमिताभ बच्चन और पति अभिषेक बच्चन भी रेड कार्पेट पर नजर आए थे। यही नहीं, परिवार के बेहद करीबी रहे अमर सिंह भी साल 2008 में कांस के रेड कार्पेट पर दिखाई दिए थे। इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि कभी ऐश्वर्या का उनकी सास के साथ कितना लगाव था। यही नहीं, वो पारिवारिक भी थी और इसी वजह से पूरे परिवार के साथ उन्होंने कांस में शिरकत किया था। साल 2008 की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या पिंक गाउन में कितनी खूबसूरत दिख रही हैं। हॉल्टर नेक गाउन और कर्ली बालों में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत दिख रही थी। वहीं जया बच्चन ग्रीन शरारा सूट पहन बहुत सादगी के साथ कांस के रेड कार्पेट पर पहुंची थी, जबकि अमिताभ और अभिषेक बच्चन ब्लैक सूट में दिखे थे। आपको बता दें कि साल 2008 में बच्चन परिवार की कांस फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी और तब ऐश्वर्या की तारीफ भी हुई थी कि वो अपने ससुराल के लोगों से कितना मिलजुल कर रहती हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक करने के बाद बच्चन परिवार कांस शहर घूमने भी निकला था। सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार के हॉलिडे की कई तस्वीरें देखने को मिली थी। इन पिक्चर्स में ऐश्वर्या व्हाइट प्रिंटेड स्पेगेटी फ्रॉक में नजर आई थी, वहीं जया बच्चन स्कर्ट और टॉप में अलग ही दिख रही थी। बिग बी भी तब फ्रांस घूमने व्हाइट शर्ट, जीन्स और सनग्लासेस में निकले थे और उनका काफी कूल लुक देखने को मिला था। वहीं अभिषेक बच्चन की बात करें तो उन्होंने पिंक शर्ट और ग्रे पैंट पहन रखी थी। बच्चन परिवार के यूरोप हॉलिडे की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों से ये जाहिर होता है कि ऐश्वर्या का उनके ससुराल वालों संग कभी बहुत ही अच्छा रिश्ता था। सब साथ मिलकर हॉलिडे पर भी जाते थे। साल 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई थी और अपनी शादी के फौरन बाद भी ऐश्वर्या कांस रवाना हुई थी। तब उन्होंने अभिषेक बच्चन संग कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक किया था। कांस में शिरकत करने के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या अपने हनीमून पर रवाना हुए थे। हालांकि वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका है। अब ऐश्वर्या अकेले कांस जाती हैं और उनका साथ देती हैं उनकी बेटी आराध्या। लंबे समय से अभिषेक बच्चन भी उनके साथ नहीं गए हैं। हालांकि इस साल ऐश्वर्या के हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेटी आराध्या संग अकेले एयरपोर्ट पर नजर आईं।
ब्यूरो रिपोर्ट E24।